कृष्ण ज्ञान। एक औरत रोटी बनाते समय ओम भगवते वासुदेवा नमक का जप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख, कलेजा थक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुनुचित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में मामा की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। फिर 10 दिन पहले ही करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर के कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोट गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से वितरित होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन भर की सारी घटना चलचरित की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहाँ चिंटू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहाँ टाके अभी भी हरे ही थे। ऑपरेशन के आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया कैसे, कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू, वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वह पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक कर रखा था। उसका सर प्रभु की चरणों से श्रद्धा से झुक गया। अब वह सारा खेल समझ चुकी थी, मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको, तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पे चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।